हेलो फ्रेंड, आप सभी का ऑनलाइन स्टडीज पर स्वागत है। आज हम लोग फार्मूला जो डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होने वाले हैं उन सबको हम लोग देखेंगे। तो पहला फार्मूला हमारा है वह है एक्स पावर एन डी यू एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस वन अपान एन प्लस वन होता है। दूसरा जो फार्मूला होता है वो हमारा है डी यू एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो डी एक्स दिया जाएगा तो क्या होगा, एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन कॉस एक्स का निकालना हो तो साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगर साइन एक्स का होगा तब इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग किसका देखेंगे, साइन एक्स का देखेंगे। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूला कौन सा है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फार्मूला कौन सा है, सेक एक्स टेन एक्स के क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। और नौवां फार्मूला जो है इसी टर्म में, ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। और दसवां क्या है, डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ग्यारहवां फार्मूला कौन सा है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स ई एक्स प्लस सी कितना हो जाएगा आपका, फार्मूला क्या बनेगा, ई एक्स बनेगा। और ट्वेल्थ फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स इक्वल टू ए एक्स अपन लॉग ए। ठीक है, अब तेरहवा फार्मूला कौन सा हो जाएगा, डी एक्स अपन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर वन प्लस सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।